आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला फाइनेंस कंपनी जो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन और बिजनेस लोन दे रही है, जो आपको सिर्फ 2 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। प्रोसेस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कैसे प्रोसेस करना है, ये सभी डिटेल्स बात करेंगे इस वीडियो में और टिप्स भी दूंगा कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो या पहली बार मेरे को देख रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो की। आदित्य बिरला फाइनेंस कंपनी ये इंस्टेंट पर्सनल लोन दे रही है, जो आपका क्रेडिट स्कोर और आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसी बेस पे आपको लोन फंडिंग कर रही है। टाइप की बात करूँ तो ऑक्यूपेशन आपका कोई भी हो, सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। लोन अमाउंट 1 लाख से लेकर आप 10 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। टेन्योर आपको अभी फिलहाल जो है वो 3 साल के लिए टेन्योर है। क्रेडिट स्कोर आपका 700 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 700 प्लस क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, और आपका 0 या -1 क्रेडिट स्कोर है, मतलब कि आपका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, आप पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हो या आपका सिबिल नहीं बना है, तो आप अप्लाई मत करें, क्योंकि ये जो कंपनी है 0 -1 के लिए अप्लाई नहीं करना है। उसके लिए एक दूसरी कंपनी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका सिबिल स्कोर 0 -1 है तो। इसकी आपकी एज 23 साल से लेकर 57 ईयर होनी चाहिए और आपके 3 महीने के अंदर 5 से ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। फॉर रेशियो की मतलब आपका ओब्लिगेशन कितना होना चाहिए, जो आपकी इनकम है उसमें आपका 70% तक फॉर रेशियो काउंट किया जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपये है तो आपको 70,000 तक का EMI दे सकते हैं। उसका कैलकुलेशन पूरा अल्गोरिदम होता है, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, उसी बेस पे आपको कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी। जियो लिमिट मतलब एरिया पिन कोड कौन कौन सा है, 35,000 से ज़्यादा एरिया पिन कोड है जहाँ पे सर्विस अवेलेबिलिटी है, तो आप अप्लाई करना है तो लिंक बायो में दिया हुआ है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। टिप्स की, ये जो वेबसाइट है ना वो आपका मोबाइल में ही ओपन करना है, कंप्यूटर में या PC में ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा GPS ट्रैक है, तो आपको मोबाइल में ही करना होगा। और दूसरी बात कर रहा हूँ, ये जो वेबसाइट है आप क्रोम ब्राउजर में, अपडेट क्रोम ब्राउजर में ओपन करें तो आपको बेस्ट रहेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी ऑफर है तो आपके ऑफर वहाँ पे ही शो होगा, प्रोसेस कैसे करना है वो भी बात करूँगा इस वीडियो में, लेकिन अगर ऑफर है तो आप वहाँ पे एग्री करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो आप पान कार्ड आधार कार्ड पर लोन ले सकते हो, वो भी सिर्फ 2 घंटे के अंदर, पूरा डिजिटल प्रोसेस है और आपको कोई भी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जो आप डिटेल्स फिल करते हो, ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी सही एंटर करें, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी कम्युनिकेशन रहेगा वो आपका ईमेल आईडी पे ही रहेगा, जैसे लोन एग्रीमेंट है, आपका NOC है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेना है, कंपनी से मंगवाना है इन फ्यूचर, तो आपको ईमेल आईडी काम आएगा। तो ईमेल आईडी सही एंटर करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर तो सही डालते हैं क्योंकि उसको OTP आ रहा है, लेकिन ईमेल आईडी जो भी हो डाल देते हैं, ईमेल आईडी सही एंटर करें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये था जनरल बातें जो आपको ध्यान में रखनी थी। अब बात करते हैं प्रोसेस का, तरीका क्या है। तो आदित्य बिरला इंस्टेंट पर्सनल लोन में बात करूँ ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओपन करेंगे तो आपको ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो आपका आधार कार्ड में लिंक है वो। जैसे ही मोबाइल नंबर एंटर करके नेक्स्ट करना है, तो उसके बाद आपको डिटेल्स ओपन होगा, जहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी, पिन कोड नंबर, पान कार्ड, ऑक्यूपेशन डिटेल्स फिल करके आपको उसको ओके करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे डिटेल्स फिल करके, तो आपको एक पॉपअप आएगा, ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा आदित्य बिरला का एप्लीकेशन का, होगा यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखा है, तो मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ पे गेट OTP पे आपको क्लिक करना है। मोबाइल नंबर एंटर करके कंप्लीट करेंगे तो OTP आएगा, OTP के लिए आपको ओके करना पड़ेगा। ओके करेंगे तो आपको एक OTP आप एंटर करेंगे, उसके बाद आपको पेज ओपन होगा जहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर लिखना है। जैसे ही पैन नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नाम और जेंडर दोनों ऑटोमेटिकली फिल आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ डालना है, मैरिटल स्टेटस, ईमेल आईडी और रेसिडेंस पिन कोड। जैसे ही आप रेसिडेंस पिन कोड एंटर करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिटी और स्टेट आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो दूसरा स्टेज आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा,
सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सैलरीड मतलब कि जो लोग सैलरी है, जिसकी सैलरी बैंक अकाउंट में आ रही है उसके लिए है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मंथली इनकम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है, आपका जो भी कंपनी है उसका नाम लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि लिस्टेड ही होना चाहिए। उसके बाद कंपनी का पूरा एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है, और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबिलिटी होगा तो यहाँ पे शो होगा, अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे सॉरी लिख के आ जाएगा, वी कैन नॉट प्रोसीड विद एप्लीकेशन ड्यू टू कंपनी पॉलिसी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एरर दिखेगी। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो ऐसे ही आपको पेज दिखेगा जहाँ पे आपको लोन अमाउंट दिखेगा, टेन्योर दिखेगा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स आएगा कि आपका ईएमआई कितना है, प्रोसेसिंग फी कितना है, एप्लीकेशन आईडी कितना है। अगर आप एग्री हो तो यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करके आगे की जर्नी कंप्लीट करना है, जिसमें ACS मैंडेट, वीडियो केवाईसी और सेल्फी अपलोड करके आप डिसबर्समेंट कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ आप 5 या 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आप अप्रूव आता है तो यहाँ से आप अमाउंट कम माइनस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, उसी हिसाब से अब यहाँ पे आपको टेन्योर दिखेगा और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन करके प्रोसेड करना है। एक बार अमाउंट सेट करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, तो खास ध्यान रखना है जो भी आपको अमाउंट है, ईएमआई कैपेबिलिटी है, वो चेक करके आपको कंटिन्यू करना है।